खबर आपको बता दें, साल 2024 चुनाव को लेकर के बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सवाल पर अब सियासत शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2024 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन तमाम दलों ने अपनी अपनी कमर जो है वो कस ली है। और इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के कुछ बयान सामने आ रहे हैं जेजेपी को लेकर के, जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर के। तो उन पर जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं अजय चौटाला, वो भड़कते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से उनकी हैसियत पूछी है कि वो बीजेपी की किस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले चुनाव में जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने जेजेपी को भी ये सलाह दी कि जेजेपी को बीजेपी में मर्ज हो जाना चाहिए। इस तरह की तमाम बातों को लेकर के जेजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की किस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, किस हैसियत से वो ये बात कर रहे हैं। एमपी एमएलए तो तमाम हैं, अनेकों हैं, लेकिन वो क्या ये फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं, ये बात कहने के लिए क्या वो अधिकृत है, किस हैसियत से वो ये सवाल कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। कौन से वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या, आप मुझे पहले वो पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियर, एमपी एमएलए तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है कौन से वीरेंद्र सिंह। साल 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सवाल पर अब सियासत शुरू हो गई है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह खुलकर के ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि सिर्फ सरकार के लिए गठबंधन हुआ था, सरकार चलाने के लिए गठबंधन हुआ था। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर खुलकर के बयान दिया, खुलकर के बात करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित था, सरकार चलाने के लिए जरूर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ, लेकिन अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अगर उचाना हल्के से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां से वो जीते वहां पर भी हारेंगे, और इस तरह की बातें जो है, इस तरह के दावे जो है वो करते हुए नजर आए, उसी को लेकर के अब भड़कते हुए नजर आए अजय चौटाला।